नेक्स्ट टॉपिक इज योर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. ओके, नॉर्मल बैलेंसिंग तो यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th. ओके, कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हाउ वी कैन बैलेंस इट. बट टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन देयर आर पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स विच यू हैव टू फॉलो. ओके, सो इन दिस इन एनी रिएक्शन टू बैलेंस अपार्ट फ्रॉम गिवन स्पीशीज you can use only H plus ion, OH minus ion or H2, also called as spectator reagents. ओके, सो रेडॉक्स रिएक्शंस को जब भी हम बैलेंस करने वाले हैं तो दीज आर दी थ्री स्पीशीज विच वी आर गोइंग टू यूज. इन्हीं अपार्ट फ्रॉम जो भी गिवन है रिएक्शन में, उसके अलावा हम ये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में वी यूज एच प्लस एंड एच टू ओ. देन वी हैव बेसिक मीडियम. ओके, बेसिक मीडियम में वी यूज ओ एच माइनस एंड एच टू ओ. अगर क्वेश्चन में कुछ भी मैंशन नहीं है बैलेंसिंग के लिए, देन गो फॉर एसिडिक मीडियम. नाउ बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन. Now, what is balancing of half reaction? That means आपको question में कोई भी reaction अगर given होगा, तो क्योंकि redox reaction की बात हो रही है, इसका मतलब है reduction भी होने वाला है और क्या होने वाला है, oxidation भी होने वाला है. तो what you have to do is, first you have to identify that which is undergoing oxidation and which is undergoing reduction. First वो identify करना है और उन दोनों reaction को separately अलग अलग लिख देना है. उसके बाद हम उन हाफ रिएक्शंस को इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे. तो बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस में बेसिकली बिफोर दैट आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन and write them separately. उनको आपको अलग अलग लिख देना है. जैसे हम यहाँ पे reactions की बात करें, इतने सारे हमने reactions देखे तो हमको पता है कि ये step reduction में जा रहा है, ये step oxidation में जा रहा है. तो आपको इन दोनों को बस अलग अलग करके लिख देना है, separately आपको half half reactions में divide कर देना है. तो वही अब half reaction को individually हम कैसे balance करेंगे, तो उसके different different steps हैं. So first is your step one, balance atoms other than oxygen and hydrogen. ठीक है, अभी लिख लो rules, फिर मैं examples के through explain करूंगी. Then step two, balancing of oxygen atom using desired medium. ठीक है, आप क्वेश्चन में जो भी मीडियम दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप, हो सकता है क्वेश्चन बोले कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो या फिर क्वेश्चन बोले बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो उसके लिए अलग अलग आपको रूल फॉलो करना है. इधर एसिडिक लिख लेते हैं, यहाँ पे बेसिक. For acidic medium, add required amount of
अमाउंट की जगह नंबर लिख लो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन द साइड deficient with oxygen and twice the number of H plus ion on the opposite side. अभी लिखो, I will tell you all these things. Basic medium में add required number of H2O molecule on the side rich with oxygen and twice the number of OH minus ion on opposite side. लिखो जल्दी से। डन राइटिंग, ओके। तो ये हो गया आपके पास कि एसिडिक मीडियम में आपको कैसे बैलेंस करना है एंड देन बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है। ये स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू गो फॉर स्टेप थ्री। स्टेप थ्री सेम है फॉर एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। उसके लिए आप क्या करोगे, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग H प्लस आयन। अगर ये सब करने के बाद भी आपके पास हाइड्रोजन एटम बच जाता है तो आपको H प्लस आयन को ऐड करके बैलेंस करना है। सो हियर ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस आयन ऑन द साइड डेफिशियंट विद हाइड्रोजन। जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है उस साइड में आपको क्या कर देना है, H प्लस आयन को ऐड कर देना है। देन वी हैव स्टेप फोर। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, लास्ट स्टेप में मोस्टली आप चार्ज को बैलेंस करोगे। सो चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स से हम इसमें चार्ज को बैलेंस करेंगे। क्या करने वाले हैं हम इसमें, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द साइड डेफिशिएंट विद चार्ज। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक हाफ रिएक्शन लेके चल रही हूँ मैं। MnO4 माइनस जो है वो चेंज हो रहा है Mn प्लस 2 में और मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, इट इज सेइंग दैट कि हम इस पहले तो सेपरेट कर लेना, वो तो एक ही रिएक्शन है ऑलरेडी, हाफ रिएक्शन गिवन है। उसके बाद हमको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करना है।
यहाँ पे एक मैंगनीज, यहाँ पे भी एक मैंगनीज, मतलब हमें इसको बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। मान लेते हैं ये रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन दिस साइड डेफिशियंट विद ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन कम है उस तरफ आपको वाटर ऐड करना है, एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ H+ आयन ऑन द साइड ऑफ द अपोजिट। मतलब इस तरफ मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, तो मैं जितने ऑक्सीजन डेफिशियंट है उतना वाटर ऐड कर दूंगी राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में जैसे ही मैंने वाटर ऐड, ऑक्सीजन ऐड किया, तो ये H+ आयन भी तो ऐड हो गया, तो उतने ही उस जितने आपने ऐड किया उसका 2 times H+ आयन आपको यहाँ पे ऐड करना है। दैट मीन्स 4 2s are 8, 8 H+ आयन यू विल ऐड टू द अपोजिट साइड। अब तो कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अब आप देख लो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है, तो स्टेप 3 की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हो सकता है स्टेप 3 की जरूरत पड़े और हो सकता है स्टेप 3 की जरूरत ना पड़े, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है बैलेंसिंग द चार्ज, चार्ज आप इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास 8+ चार्ज है और ये 1- है, तो टोटल प्लस चार्ज कितना हुआ, 7+ चार्ज, और इस तरफ आप देखोगे तो 2+ चार्ज। तो अगर मुझे इनको बैलेंस करना है, यहाँ से प्लस को मुझे कम करना है, सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स हियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज। तो वही बोल रहा है ऐड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द साइड डेफिशिएंट विद द चार्ज, जितने बैलेंसिंग समझ में आई सबको, सिंपल है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करते रहना है, सिंपल सिंपल स्टेप्स आपको फाइनल फॉलो करना है, ओके अब जैसे ओके अब किसी भी रिएक्शन को जब आप बैलेंस करते हो, उस रिएक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, तो अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आएगी तो एन फैक्टर नहीं निकल पाओगे, और एन फैक्टर नहीं निकल पाओगे तो ये पूरा चैप्टर इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं ताकि धीरे धीरे आपको जो स्टेप्स हैं वो समझ में आ जाए। चलो एक हम ले लेते हैं, लेट्स से बेसिक मीडियम में, this was your example 1 and this is your example 2, ठीक है। example 2 ले रही हूँ मैं, basic medium में reaction मेरे पास given है ClO- plus CrO2- plus OH-, जिनको पहले example में समझ में नहीं आया वो next में देखो, Cl- CrO4- plus H2O, ओके सो ये हमारे पास रिएक्शन गिवन। तो अब हमको क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है, तो पहले आप क्या करो, इसमें आइडेंटिफाई करो कि ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है और रिडक्शन हाफ कौन सा है। तो पहले ये मुझे बताओ कौन सा स्पीशीज रिड्यूस हो रहा है इसमें और कौन सा स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहा है। यूजली हम यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं चेक करते हैं, वी ओनली चेक फॉर अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। Which
which equation will be oxidized and which will be reduced, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ के क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा इधर, +1 है ना। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +3। यहाँ पे इसका ऑलरेडी -1 है, और यहाँ से क्रोमियम का अगर आप निकालोगे दैट विल बी +6। तो +1 से जा रहा है -1 में, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपके पास, रिडक्शन। हाँ ओके, यहाँ पे दिस इज गोइंग फ्रॉम +3 टू +6, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है ओके। अब आपको इन दोनों को सेपरेटली लिख देना है। यहाँ पे ले लिया हमने Cl(O-), ये जा रहा है Cl- में, और यहाँ पे है हमारे पास CrO2- एंड इट इज गोइंग टू CrO4-। बाकी सब आप भूल जाओ, उसको अभी आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आप एटम्स को बैलेंस कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन क्लोरीन है, क्लोरीन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो फर्स्ट स्टेप को आपको फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ कि दिस इज हैपनिंग इन बेसिक मीडियम। तो अपनी नोटबुक में देखो, बेसिक मीडियम में रूल क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, एट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन द साइड रिच विद ऑक्सीजन। जिस तरफ ऑलरेडी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे उतना ही नंबर ऑफ H2O ऐड कर दो। एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इस साइड मैंने उतना ही नंबर ऑफ H2O ऐड कर दिया। रूल को पढ़ना है उसी हिसाब से करना है। सो ऐड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन द साइड रिच विद ऑक्सीजन एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ OH-। यहाँ पे मैंने एक वाटर ऐड किया तो ट्वाइस द नंबर ऑफ OH- आयन ऑन दी अपोजिट साइड। समझ में आया बात बेटा? इसमें +1 ऐसे हुआ कि क्लोरीन का एक्स कर लो, ऑक्सीजन का होता है एक ही ऑक्सीजन है, तो -2 इज इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, -1। तो एक्स पे कितना आ गया, +1। ठीक है प्रशस्ति, ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए निकालना। ओके तो यहाँ पे अब हमने बैलेंस कर दिया बेसिक मीडियम के हिसाब से हमको जो करना था। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 है कि अभी भी अगर आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है तो आपको H+ आयन ऐड करना है। ठीक है, ये स्टेप कॉमन है फॉर बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब इस स्टेप 3 की ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू बैलेंसिंग द चार्ज। अब चार्ज बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक माइनस चार्ज है, इधर आप बात करोगे 2 से मल्टीप्लाई और एक माइनस यहाँ पे, दैट मीन्स 3-। तो अगर मुझे ये माइनस को बैलेंस करना है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँ तो यहाँ पे टोटल -3 हो जाएगा, यहाँ पे भी -3, चार्ज बैलेंस हो गया। यस और नो? ठीक है, अब ये था हमारे पास रिडक्शन हाफ। अब लेट्स मूव ऑन टू द ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ पे चलते हैं, क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस है, अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या बोला, एट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन द साइड रिच विद ऑक्सीजन। तो रिच कहाँ पे है, इधर, और कितना है, इधर 4 है और इधर 2 है, मतलब यहाँ पे कितने ज्यादा ऑक्सीजन है, 2 ज्यादा ऑक्सीजन अगर कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड से, तो 2 मेरे को H2O यहाँ पे ऐड करना पड़ देगा। और ट्वाइस द नंबर ऑफ OH- जितने आपने H2O ऐड किए उससे ट्वाइस ऐड कर दो OH- इस तरफ, तो यहाँ पे आपको मिल गया 4OH-। ठीक है, देन स्टेप 3 पे आ जाओगे, देखो H+ आयन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे 4H+ आयन है,
यहाँ पे भी 4H+ आयन है, मतलब थर्ड स्टेप की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ज। चार्ज जाओगे तो यहाँ पे -5 है, इधर आपके पास -2 है, तो अगर मुझे बैलेंस करना है तो इस तरफ पे मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ देगा। तो यहाँ पे भी अब -5 हो गया, यहाँ पे भी -5 हो गया, तो दोनों इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, बैलेंस हो गई इंडिविजुअली। अब नेक्स्ट में ये दोनों इक्वेशन को मुझे ऐड करना है, ओके okay? और मुझे इस तरीके से ऐड करना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे डाले हैं ये कैंसल आउट हो जाए एक दूसरे से। बट यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। उसके लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद 3, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले को मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विद 2, इसको 2 से कर दो, तो 3 2 6, यहाँ पे भी 3 2 6 इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स हमको कैंसिल आउट करने हैं ऑल टुगेदर। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3H2O प्लस 3Cl(O) माइनस विल गिव यू 3Cl माइनस प्लस 6OH माइनस। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑक्सीडेशन हाफ आपके पास क्या हो जाएगा, 8OH माइनस प्लस 2CrO2 माइनस गिव्स 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Cr(O)4 माइनस प्लस 4H2। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। टोटल बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड सॉरी इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को आप ऐड कर दो, तो सारे लेफ्ट हैंड साइड चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3H2O प्लस 3Cl(O) माइनस प्लस यहाँ का ये ऐड करो 8OH माइनस प्लस 2Cr(O)2 माइनस गिव्स, ये लिखो 3Cl माइनस प्लस 6OH माइनस प्लस यहाँ पे आ जाओ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Cr(O)4 माइनस प्लस 4H2। ओके 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे है आपके पास 3H2O, यहाँ पे है आपके पास 4H2O, तो ये पूरा कैंसिल आउट होके इस तरफ एक ही H2O बचेगा, यहाँ पे है 8OH माइनस, यहाँ पे है 6OH माइनस, इसको कैंसिल आउट करोगे तो इधर बचेगा 2OH माइनस। तो ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई 3Cl(O) माइनस प्लस 2OH माइनस प्लस 2Cr(O)2 माइनस गिव्स 3Cl माइनस प्लस 2Cr(O)4 माइनus प्लस H2। सो नाउ दिस इज योर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, समझ में आया? बहुत सिंपल है, बट रूल फॉलो करना है और रूल याद करना है, अगर रूल्स याद नहीं होंगे तो कंफ्यूजन होगा। प्रशस्ति रूल्स फॉलो करने हैं बस, मैंने कुछ किया नहीं है, जो ऊपर लिखवाया है वही फॉलो करना है आपको। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ करने के लिए, खुद से बैलेंस करो, देन स्टेप्स देखो, अगर ये एग्जांपल नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेप्स फॉलो करो जो भी स्टेप्स गिवन है। सो क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस using desired medium, ठीक है, जो भी medium mention होगा उसके हिसाब से आपको balance करना है। First one is your C2O4 2 minus gives CO2 acidic medium में, ये तो सिर्फ एक ही reaction है, ठीक है, फिर दूसरे reaction भी दूंगी साथ में, पहले सिंपल सिंपल करो, H2S को S में, इसको भी करो एसिडिक मीडियम में,
थर्ड है एनओ थ्री माइनस टू एन एच थ्री, डू इट इन एसिडिक मीडियम. फोर्थ इज एस टू ओ थ्री टू माइनस गिव्स एस फोर ओ सिक्स टू माइनस, दिस ऑल्सो इन एसिडिक मीडियम. अभी मैं सिंपल सिंपल एक एक ही रिएक्शन दे रही हूँ, फिर कंबाइंड भी दूंगी. इन सबको बैलेंस करो, स्टेप्स फॉलो करो, खुद से ट्राई करो. आई एम गिविंग यू टू थ्री मिनट्स. नहीं समझ, एन फैक्टर सिक्स है. एन फैक्टर पे भी हम टोटल बात करेंगे, पूरा नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एन फैक्टर ओनली. बैलेंसिंग कर लो एक बार, सीख लो, फिर हम एन फैक्टर की बात करेंगे. रिएक्शंस में ऑल्दो वो कट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आप कैंसिल आउट कर दे रहे हो, बट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर तो हो रहा है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में. तो एन फैक्टर बस यही बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं ऑक्सीडेशन में या फिर रिडक्शन में. चलो मैं डिस्कस कर रही हूँ. आप अपनी नोटबुक में जो स्टेप्स हैं उसको ओपन करके साथ में रखो, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा. सारे के सारे आपके पास एसिडिक मीडियम में गिवन है, ठीक है. पहला स्टेप क्या है, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस द एटम. यहाँ पे तो कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही रिएक्शन है, वन हाफ रिएक्शन है. यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो. जैसे ही तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन फोर था, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, फोर, मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया. आपको कुछ कहानी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आ जाओ चार्ज पे, हाइड्रोजन है नहीं, सीधा पहुंच जाओगे लास्ट स्टेप पे, दैट इज योर स्टेप फोर, बैलेंस द चार्ज. ओके, चार्ज में यहाँ पे कितना है टू माइनस और यहाँ पे कितना है जीरो, तो इस तरफ आई एम गोइंग टू एड टू इलेक्ट्रॉन्स. बस बैलेंस हो गया मेरे पास ये रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, सेकंड रिएक्शन में आ जाओ. यहाँ पे आपके पास H2S जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में. ठीक है, हाइड्रोजन का हम नहीं देखते हैं, सल्फर को यहाँ पे चेक करेंगे. एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है, कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ बैलेंस करने की. इस तरफ आपके पास टू हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में आपके पास जीरो हाइड्रोजन्स हैं. तो आपको क्या करना है कि जिस तरफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है नहीं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन वाला आपको स्टेप करना ही नहीं है. ओके, स्टेप टू क्या था, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं. तो अब चलोगे आप स्टेप थ्री में, नोटबुक में स्टेप्स खोल के रखो, देखो स्टेप थ्री क्या बोल रहा है,
to balancing of hydrogen atom using H plus ion. Now add required number of H plus ion on the side deficient with hydrogen. ठीक है, इस तरफ राइट हैंड साइड में आपके पास टू हाइड्रोजन कम है तो ऐड कर लो टू एच प्लस आयन, दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब लास्ट स्टेप आपका बचता है चार्ज, यहाँ पे दो प्लस चार्ज है, यहाँ पे जीरो चार्ज है, तो मुझे बैलेंसिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने से ही होता है। इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं कर सकते क्योंकि टू नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे टू पॉजिटिव, हमको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना, इक्वल करना है। तो इस तरफ हम क्या करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे जीरो चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट ऑन, अब इसके लिए आपसे एन फैक्टर पूछ ले, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, टू। इस इक्वेशन के लिए आपके पास एन फैक्टर पूछ ले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, टू। तो दोनों के लिए ही यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ रहा है, मैं बताऊंगी एन फैक्टर एग्जैक्टली क्या होता है, अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा फेमिलियर करा रही हूँ फॉर द फ्यूचर यूज। अब हम एन ओ थ्री को बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन एक, यहाँ पे एक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो हम देखते नहीं है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, स्टेप टू, आई हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन। अब क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो क्या बोले, क्या स्टेप है, एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ऑन द साइड डेफिशिएंट विद ऑक्सीजन। यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पे जीरो, तो मुझे यहाँ पे थ्री H2O ऐड करना पड़ेगा। जितने H2O ऐड किए उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ऐड करना पड़ेगा H प्लस आयन, मतलब थ्री टू जा सिक्स H प्लस आयन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेप टू। स्टेप फोर क्या है कि अगर अभी भी हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है तो आपको अगेन H प्लस आयन से उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे सिक्स H प्लस आयन है, यहाँ पे सिक्स प्लस थ्री नाइन H प्लस आयन है, ठीक है। तो जिस तरफ आपके पास हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उस तरफ आपको क्या ऐड करना है, उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो तीन H प्लस आयन की डेफिशिएंसी थी तो हमने तीन H प्लस आयन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिए। नाउ वी हैव टू बैलेंस द चार्ज ऑल्सो। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए सिक्स प्लस थ्री नाइन और एक माइनस, मतलब एट एच प्लस आयन है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव बोल दो आप, एट पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ जीरो पॉजिटिव चार्ज है। सो वॉट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में ताकि कैंसिल आउट होके जीरो हो जाए। सो दिस साइड आई विल हैव एट इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल टुगेदर रिएक्शन बैलेंस होके क्या हो गई, नाइन एच प्लस आयन प्लस एट इलेक्ट्रॉन्स प्लस एन ओ थ्री माइनस गिव्स एन एच थ्री प्लस थ्री एच टू। दिस इज योर कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। और अगर आपसे कोई पूछे इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कितना है तो आप बोल दोगे एट विल बी द एन फैक्टर। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ में S2O32 minus चेंज हो रहा है S4O62 minus में। ऑफकोर्स सल्फर एटम में डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास टू है, यहाँ पे फोर है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस हो गया आपके पास, इधर फोर हो गया, उधर क्या हो गया इस तरफ भी फोर, सल्फर बैलेंस हो गया। नाउ बैलेंस दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या रूल है एसिडिक मीडियम में, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ आप उतने ही वाटर ऐड कर दो। यहाँ पे सिक्स ऑक्सीजन है, यहाँ पे थ्री ऑक्सीजन, थ्री टू जा सिक्स। अच्छा, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं तो वहाँ पे भी कोई हमको कुछ करना नहीं है, लेट्स बैलेंस दी चार्ज। यहाँ पे बैलेंस जो चार्ज है कितना है, टोटल फोर माइनस में, क्योंकि यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो माइनस में फोर हो गया, यहाँ पे टू माइनस में, टू नेगेटिव में इधर हो गया, ओके। अब मुझे अगर इधर टू नेगेटिव है, इधर फोर नेगेटिव है और मुझे इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंस करना है तो इस तरफ हम क्या ऐड कर देंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, फोर नेगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा टू। नाउ टेल मी चारों के चारों एग्जाम्पल्स क्लियर है कि नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा।
प्रशस्ति कुछ भी और सोचने का जरूरत नहीं है, सिंपली रूल्स फॉलो करो, आपको ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैलेंस होके मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और फॉलो नहीं करना है, नहीं जो रूल है बस वही फॉलो करो, कोई प्रोटॉन वोटॉन कुछ अपनी तरफ से रूल्स नहीं बनाने हैं, अदरवाइज बैलेंस नहीं कर पाओगे और सब क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाएंगे। टेरेंस खुद से करो, फोर्थ वन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे चार सल्फर है, यहाँ पे मेरे पास दो ही सल्फर था, मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फर फोर हो गए। अब मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे थ्री टू जो सिक्स ऑलरेडी हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, चार्ज पे आ जाओ, चार्ज पे आपके पास यहाँ पे टू नेगेटिव है और यहाँ पे ये होल मल्टीप्लाइड बाय टू है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टू टू जा फोर, फोर नेगेटिव, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, सिर्फ टू नेगेटिव, तो आपको इस तरफ दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि इस तरफ भी टोटल फोर नेगेटिव हो जाए, बस बैलेंस हो गई रिएक्शन। स्टेप्स फॉलो करना है एंड डोंट मेक एनी वन एनी योर रूल, अपना रूल मत बनाओ। आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, अगर क्वेश्चन सिर्फ बैलेंस करने को बोल रहा है संपदा, तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे रूल्स नहीं बदल रहे। तो अगर सिर्फ सिंगल हाफ रिएक्शन दिया है तो यू नीड नॉट टू राइट कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, अगर पूरा रेडॉक्स रिएक्शन है देन आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब जैसे ही एक दो और छोटे मोटे एग्जांपल्स करते हैं। फिफ्थ है आपके पास Cr(I)3 गिव्स OH-, मतलब OH- नहीं, बेसिक मीडियम कर दो, इसको हटा दो, बेसिक मीडियम में हो रहा है बस, Cr(O)4)2- प्लस IO(3-), इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। अब बस रूल्स फॉलो करो, कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग मत लगाओ, Cr(O)7, क्योंकि रूल्स पे ही डायरेक्टली रिएक्शन जा रही है ना, और ये कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम प्लस थ्री में, इसको करो एसिडिक मीडियम में। सॉल्व करो ये चारों।
लेट मी नो व्हेन यू आर डन. रूल्स को बार बार देखो और उसी रूल्स के अकॉर्डिंगली बैलेंस करो रिएक्शन, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा. चलो देखो, CrI3, यहाँ पे CrO4 टू माइनस, ओके, एंड देन वी हैव हियर IO3 माइनस, ठीक है. नाउ क्रोमियम जो है यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, और आयोडीन यहाँ पे -1. इधर क्रोमियम पहुँच गया +6 में और इधर आयोडीन पहुँच गया आपके पास +5 में. इतना निकाल सकते हो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट्स आ गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है. क्रोमियम +3 से +6 में चला गया, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन. आयोडीन -I से पहुंच गया +5 में, मतलब ये हो गया अगेन ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ये एक्चुअली एक ही रिएक्शन है. आपको दो अलग अलग दिखे, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए, तो कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. इट इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. तो आपको इसमें अलग से इसको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ अलग करने की जरूरत नहीं है. अब सिंपली बैलेंस करो. यहाँ पे आपके पास एक क्रोमियम है, यहाँ पे आपके पास एक क्रोमियम है, यहाँ पे तीन आयोडीन है और यहाँ पे एक ही आयोडीन है. तो क्या करना है, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स बैलेंस कर लेंगे. तो यहाँ पे हो गया 3IO3-. ठीक है, अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हमको रूल कौन सा फॉलो करना है बेसिक मीडियम में. बेसिक मीडियम का रूल क्या है, सीधा रूल पढ़ो. एड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन द साइड रिच विद ऑक्सीजन. जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है वहां पे उतना ही ऑक्सीजन आपको ऐड कर देना है वाटर के फॉर्म में. यहाँ पे हो गया आपके पास 4, यहाँ पे हो गया 3 3 9, 4 + 9 कितना हुआ, 13. इधर हम ऐड कर देंगे 13 H2O. ओके, जितना आप इस तरफ वाटर ऐड कर रहे हो उसका डबल आपको उसके अपोजिट साइड में क्या ऐड करना है, OH-. तो 13 2 26 OH-. यहाँ पे आपने बैलेंस कर दिए हाइड्रोजन किसके, बेसिक मीडियम में. स्टेप 2 था ये. स्टेप 3 में अभी भी अगर अगर आपके पास हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है तो H+ ion से उसको बैलेंस करो. बट हाइड्रोजन तो टोटली बैलेंस्ड है, यहाँ राइट हैंड साइड में भी 26 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 26 है, सो दैट इज बैलेंस्ड. अब हमारा काम क्या है, चार्ज को बैलेंस करना. चार्ज को हम बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे ये सब तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है ऊपर, इसको चार्ज में कंसिडर नहीं करना है. इधर है, ये था आपके पास क्वेश्चन में CrI3 और हमने ऐड किया 26 OH-, मतलब इधर 26 नेगेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पे 2- इधर हो गया और ये ऑक्सीडेशन नंबर है 3 और यहाँ पे माइनस था IO3-. 3- यहाँ पे हो गया, 3 + 2- टोटल माइनस कितना है यहाँ पे, 5-. तो अगर मुझे दोनों को बैलेंस करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही हम बैलेंस कर सकते हैं चार्ज को. यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 5 नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर मैं 21 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँ तो इधर भी कितना हो जाएगा, 26 नेगेटिव. सो चार्ज विल बी बैलेंस्ड हियर. अंडरस्टूड? समझ में आया? रूल्स फॉलो करना है. प्रशस्ति, चार्ज बैलेंस, तुम मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में तुमको कितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज कितना, तुम ही खुद ही बताओ मुझे कितना दिख रहा है. ये सब ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था मैंने, कितना नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड में, सब ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था ऊपर.
ठीक है, हाँ 26 ऑफ कोर्स, ओ एच माइनस एक ही तो नेगेटिव है यहाँ पे, तो 26 माइनस ही तो होगा, सही बात है। राइट हैंड साइड में कितना माइनस, टोटल माइनस चार्ज कितना दिख रहा है राइट हैंड साइड में वो बताओ, इसको हटा के, अभी ये तो मैंने बाद में ऐड किया है, इसको हटा के बताओ कितना माइनस चार्ज दिख रहा है तुमको राइट हैंड साइड में। इसको कौन काउंट करेगा, यहाँ पे 2 माइनस नहीं है, टोटल नेगेटिव कितना हुआ, टोटल नेगेटिव देखना है ना राइट हैंड साइड में कितना है, अभी कितना हुआ बताओ, जल्दी बताओ बेटा। -2 -1 ये क्या कर रहे हो, अरे भाई यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है और यहाँ पे 1 माइनस है, 1 माइनस में यहाँ 3 मल्टीप्लाई भी तो किया हुआ है, तो टोटल माइनस चार्ज कितना हो गया 3 माइनस, यहाँ पे माइनस चार्ज कितना है 2, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना हुआ -5, नहीं इधर -5 है इधर -26 है, तो अगर मुझे बैलेंस करना है तो यहाँ मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँ कि यहाँ पे भी -26 हो जाए, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो इधर -5 इधर -21 नेगेटिव, टोटल कितना हो गया -26, बैलेंस हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम O7 2- क्रोमियम +3 में चेंज हो रहा है एसिडिक मीडियम में, इधर भी एक क्रोमियम है इधर भी एक क्रोमियम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एस ऊपर इधर लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम, तो रूल क्या है, सीधा रूल चेक करो, ऐड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऐड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द साइड डेफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ये बेसिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर 7 ऑक्सीजन है तो उतना ही यहाँ पे वाटर ऐड कर दो, और जितना इधर वाटर ऐड करोगे उसका डबल यहाँ पे एच प्लस आयन ऐड करना है, तो इधर हो जाएगा 14 H+ आयन। अब देखो हाइड्रोजन, ये स्टेप 2 के अकॉर्डिंगली हो गया, स्टेप 3 में देखो हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ नहीं करना है आपको, अब पहुंच जाओ चार्ज पे, अब आपसे चार्ज पूछेगा यहाँ पे कितना टोटल चार्ज है, 14+ चार्ज है और 2 माइनस, तो टोटल चार्ज कितना आया 12+ में, यहाँ पे अगर आप चार्ज पूछोगे तो कितना चार्ज है +3, सिर्फ टोटल चार्ज कितना है +3। तो अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड करोगे तो प्लस कम होते जाएगा ना, ये बैलेंस थोड़ी हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मुझे कहाँ ऐड करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँ कि +3 चार्ज आ जाए, तो आई कैन ऐड योर टोटल 9 है ना, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है यहाँ पे ऐड कर दो +9 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद ही देख लो चार्ज को बैलेंस करके देखो, 9 नेगेटिव यहाँ पे 2 नेगेटिव, कितना टोटल आया 11 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव, तो ऑल टुगेदर कितना आया 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे भी कितना था 3 पॉजिटिव, चार्ज बैलेंस हो गए, यस और नो, समझ में आ रहा है सबको। चलो 7th वाला देखो, इधर इधर Fe(S)2 है, यहाँ पे Fe(2O)3 और SO4। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे भी जब एक ही रिएक्शन है तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, रिडक्शन हाफ क्या है, अभी फुल हाफ का भी एग्जांपल कराऊंगी। तो इधर आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 2 है, तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। ओके, तो सल्फर कितना हो गया यहाँ पे 4, राइट हैंड साइड में मेरे पास सल्फर कितना है सिर्फ 1, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को आप जैसे नॉर्मल करते हो बैलेंसिंग वैसे कर लो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है,
मीडियम आपके पास एसिडिक है, यहाँ पे 4 4 16 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, टोटल कितने ऑक्सीजन हुए आपके पास, 19 ऑक्सीजन है ना, कितने कितने ऑक्सीजन हुए आपके पास, 19, यस और नो? जब आपने यहाँ पे किया 4SO4, तो 4 4 16 17 18 19, तो इस तरफ आप ऐड कर दोगे 19H2। अब जैसे ही यहाँ पे 19H2O ऐड करोगे, तो उससे डबल अमाउंट ऑफ दूसरे साइड आपको ऐड करना है हाइड्रोजन, तो 19 2 कितना होता है, 38H+ आयन। अब 38H+ आयन यहाँ किया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, अब आपको क्या करना है, चार्जेस बैलेंस करना है। अब चार्जेस बैलेंस करने के लिए सिंपली आप देख लो, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे 38H+ है, तो यहाँ पे आपको इसी साइड में 38 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए और जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन सा चार्ज है, जीरो चार्ज है। अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को? सिंपल है, वंस यू नो द रूल बहुत इजी है। चलो लास्ट वाला देखो, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, ठीक है, नाइट्रोजन हमको पहले देखना होता है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है वहाँ पे उतना ही वाटर ऐड कर दो। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम था तो हमने एक वाटर ऐड कर दिया, और दूसरी तरफ उसका डबल H+ आयन, तो 2H+ आयन, ठीक है। स्टेप 3, अगर अभी भी H+ आयन बैलेंस नहीं हुआ है तो स्टेप 3 पे जाओगे, यहाँ पे टोटल हो गया 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल हो गया 3 हाइड्रोजन, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाउ वी विल बी बैलेंसिंग द चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2+ चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँ तो यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई, यस और नो? कोई आपसे एन फैक्टर पूछे, इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा, 2। 2 इज योर एन फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अभी हम एन एन फैक्टर, इसके नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम देखेंगे। अंडरस्टूड? तो ये तो हो गया आपको कि इंडिविजुअली अगर हमको हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको टू बैलेंस अ फुल रिएक्शन, पूरा कंप्लीट रिएक्शन जो है उसको कैसे करना है। यहाँ पे आपके पास है H2S+HNO3 गोइंग टू गिव यू S+NO। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, करो ट्राई करो बैलेंस करने का, फिर मैं बताती हूँ।
मैम मीडियम क्या है? मीडियम एसिडिक मीडियम में ही करो इसको। अच्छा मीडियम नहीं लिखा ना, एसिडिक मीडियम करो। एसिडिक मीडियम में ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक्सक्यूज मी, सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का छोड़ के। यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, आपको उसी के हिसाब से निकालना है। यहाँ पे सिर्फ एस फॉर्म में गिवन है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो। यहाँ पे नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सल्फर क्या होगा, -2। तो -2 से जीरो मतलब ऑक्सीडेशन। अब HNO3 में आप निकालो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का प्लस नाइट्रोजन का हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 3 × -2 इज इक्वल टू जीरो। दैट इज योर 1 + x - 3 × 6 इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस 5, है ना, इधर ये 6 है उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे यू हैव प्लस 5 और इधर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन का -2 है तो ये हो जाएगा +2। सो +5 से +2 पे जा रहा है, मतलब कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स दिस इज योर रिडक्शन। अब आपने ऑक्सीडेशन हाफ आइडेंटिफाई कर लिया है, रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई कर लिया है, नाउ सेपरेटली लिख दो उनको। दिस साइड यू हैव H2S गेटिंग कन्वर्टेड इनटू S, तो यहाँ पे लिख दो HNO3 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू NO, ठीक है। अब सबसे पहले एटम देखो, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे भी एक सल्फर, कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। देन गो फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, देन गो फॉर हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन, अब रूल अगर आप चेक करोगे रूल्स में देखो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अलग अलग कहानी है, बट हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों के लिए सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन है, तो जिस तरफ हाइड्रोजन कम है उस तरफ 2H+ ion ऐड कर दो। अब तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे 2H+ है, यहाँ पे जीरो है, मतलब मैं अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो दिस साइड इज बैलेंस नाउ, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं, दैट इज योर रिडक्शन वाला पोर्शन। नाइट्रोजन पहले तो बैलेंस करो, दोनों तरफ एक ही है, कोई इशू नहीं है। देन गो फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन। अब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रूल क्या है, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ उतना ही वाटर ऐड कर दो। तो राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1, मतलब 2 ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, तो 2H2O यहाँ पे ऐड कर दोगे आप, ठीक है। अब जैसे ही इस तरफ आपने 2 वाटर ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको उससे ही डबल अमाउंट ऑफ H+ ion ऐड करना है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि तो 4H+ ion यहाँ पे ऐड कर दिया। ये step 2 था। step 3 में अगर अभी भी H+ ion अनबैलेंस्ड है तो आप उसको अगेन हाइड्रोजन मतलब अनबैलेंस्ड है तो H+ ion से बैलेंस करोगे। इस तरफ आपके पास 5 हाइड्रोजन है, इस तरफ आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो अभी इस तरफ एक हाइड्रोजन कम है तो आप ऐड कर दो 1H+ ion, सिंपली, बस step 3 हो गया। नाउ रूल्स में चेक करो, step 4 चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ 1 पॉजिटिव है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स में कितने ऐड करूँ कि चार्जेस बैलेंस हो जाएं, तो इस तरफ आई विल बी एडिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज माई इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इक्वेशन 2 में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमको हमेशा दोनों ही तरफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इक्वल रखना है। तो इसके लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके नीचे इक्वेशन लिख दो, दिस विल बी 3H2S गिव्स 3S प्लस
सिक्स एच प्लस आई एन प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज योर इक्वेशन थ्री। यहाँ पे ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, एट एच प्लस आई एन प्लस टू एच एन ओ थ्री गिव्स टू एन ओ प्लस फोर एच टू ओ प्लस टू एच प्लस आई एन। यहाँ पे भी तो एक ऑक्सीजन है ना बेटा, इधर एक ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ना एनओ में प्रशस्ति, तो वो नहीं काउंट करोगे। यहाँ पे तीन ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो कमी कितने ऑक्सीजन की है, दो ऑक्सीजन की है ना। ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन फोर। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करना है, तो एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, तो ऐड करके क्या हो जाएगा, थ्री एच टू एस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस एट एच प्लस प्लस टू एच एन ओ थ्री गिव्स थ्री एस प्लस सिक्स एच प्लस आयन प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस टू एन ओ प्लस फोर एच टू ओ प्लस टू एच प्लस आयन। अब जो भी कट रहा है वो कैंसिल कर दो, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आपको कैंसिल कर देने हैं। यहाँ पे एट एच प्लस आयन है, यहाँ पे सिक्स प्लस टू अगेन एट एच प्लस आयन है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और बस ये हो गया थ्री एच टू एस प्लस टू एच एन ओ थ्री गिव्स थ्री एस टू एन ओ प्लस फोर एच टू ओ। समझ में आया? हाँ समर्थ, ये नॉर्मल से भी बैलेंस हो जाएगा क्योंकि H प्लस आयन कैंसिल आउट हो गया ना, तो आपको क्लियरली दिखाई दे देगा कि नॉर्मली भी बैलेंस कर सकते हो, बट यूजुअली आपके H प्लस आयन कैंसिल आउट नहीं होते हैं, इस केस में कैंसिल आउट हो गए फॉर दैट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बैलेंस करने का जेई में आया था, आई थिंक जे 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बैलेंस करके देखो। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो इसको भी। एसिडिक मीडियम में
चलो डिस्कस करूं। समर्थ या रेडॉक्स रिएक्शन ही है, क्यों नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन? यहाँ से मैंगनीज का निकालो, यहाँ पे कार्बन का निकालो। आपको बताया पोटेशियम का ऑलरेडी फिक्स्ड होता है प्लस वन, वो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का आपके पास फिक्स रहता है। चलो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ओके, आई थिंक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, काफ़ी बड़ा रिएक्शन है इस चक्कर में, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम डिस्कसिंग दिस इक्वेशन। सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। पोटेशियम का फिक्स्ड होता है बिकॉज इट इज़ एन अल्कली मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, KMnO4 में होता है प्लस 7। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर लो एक्स का वैल्यू निकाल के, बट वैसे भी पता होना चाहिए। 4 2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 प्लस 1, तो माइनस 8 प्लस 1 प्लस 7, तो मैंगनीज का सॉरी माइनस 7, तो मैंगनीज का हो जाएगा प्लस 7। ऐसे ही आपको H2C2O4 का निकालना है। यहाँ पे कार्बन का जब निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस विल बी प्लस 3। एक्स के वैल्यू करके निकालो, बट फटाफट आना चाहिए। कैसे निकालोगे? 4 2 8 माइनस 8, ये हो गया आपके पास प्लस 2, टोटल कितना हुआ माइनस 6। माइनस 6 तो यहाँ पे कार्बन का कितना होगा प्लस 6, प्लस 6 दो के लिए है, तो एक का कितना होगा प्लस 3। ठीक है, K2O की हमको यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैंगनीज MnO की ज़रूरत है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास प्लस 2, और CO2 में कितना आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, मैंगनीज प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, दिस इज़ योर रिडक्शन। यहाँ पे ये प्लस 3 से प्लस 4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दोनों को अलग अलग लिख दो। यहाँ पे लिख लिया हमने KMnO4, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू MnO, और दूसरा है आपके पास H2C2O4 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO2। ठीक है, बाकी को भी भूल जाओ। ठीक है, K2O जो है वो स्पेक्टेटर आयन की तरह काम कर रहा है, उसको हम एकदम एंड में ऐड करेंगे, अगर बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी तो वो कर लेंगे। यहाँ पे पोटेशियम है नहीं तो उसको भूल जाओ, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास मैंगनीज है, यहाँ पे एक मैंगनीज है, तो मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस है। देन हमको बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन को। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो रही है, यहाँ पे आपके पास है 4H+ आयन, सॉरी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। जिस तरफ ऑक्सीजन जितना कम है उतना ही वाटर ऐड कर दो, यहाँ पे 3 कम है तो 3H2O, तो दूसरी तरफ उसका ही डबल 6H+ आयन। अगर अभी भी H+ आयन अनबैलेंस है तो स्टेप 3 लगेगा, बट H+ आयन तो टोटली बैलेंस हो चुका है, तो कुछ करने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अभी ऐसी रहो, चार्जेस बैलेंस कर दो। 6H+ आयन यहाँ पे है, यहाँ पे 0, इसका मतलब है मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगी, तो ये भी 0 हो जाएगा, दिस साइड इज बैलेंस्ड। अब इधर आओ, कार्बन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर दो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैलेंसिंग दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, स्टेप 2 कट गया। स्टेप 3 में इस तरफ 2H+ आयन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, तो दूसरी तरफ 2H+ आयन को ऐड कर दो। अब जब तुम 2H+ आयन को यहाँ पे ऐड कर दोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, चार्जेस बैलेंस करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आया,
तो अभी हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। प्रशस्ति सुनो, पहले नहीं जरूरत है, जो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है, बस उसको ही लिखना है, बाकी सब भूल जाओ, वो हम एंड में ऐड कर देंगे। देखो कैसे करना है, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। अब मेरा काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले तो इक्वेट करना है। इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करने के लिए इस होल इक्वेशन को मैं 3 से बैलेंस मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आई विल गेट हियर 3 H2C2O4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6CO2, 6H+ ion प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है इतना। नाउ अब दोनों को ऐड कर दो, और साथ में अब इसको भी लिखना है, जो दो आपने चीजें लिखी है उसको भी लिखना है। तो पहले इसको बैलेंस करके चलो, इधर हो जाएगा आपके पास KMnO4 प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3H2C2O4, राइट हैंड साइड में MnO प्लस 3H2O, साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, K2O, K2O को भी लिखो, इस तरफ हो जाएगा देन 6CO2 प्लस 6H+ ion प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, H+ ion और H+ ion यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि पोटेशियम यहाँ पे 2 है, तो अब वो आपको एंड में हिट एंड ट्रायल वाला मेथड करना है। पोटेशियम 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पोटेशियम क्या है, सिर्फ 1। अब इस होल इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अब हिट एंड ट्रायल जाएगा, जैसे आप नॉर्मली बैलेंस करते हो। जैसे यहाँ पे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो यहाँ पे मैंगनीज MnO को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ओके, फाइन। नाउ लेट्स कम टू दी ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे K2O था, तो ऑक्सीजन का भी कुछ गड़बड़ हुआ होगा। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 2s are 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, टोटल कितना हुआ, 12 + 8 = 20 ऑक्सीजन। अब इस तरफ आओ, 2 oxygen, 1 oxygen, 12 oxygen, ये सब ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना हुआ, 12 + 10 = 22, 22 + 2 = 24 ऑक्सीजन। तो इस तरफ मेरे पास 24 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे सिर्फ 20 ऑक्सीजन हो गए। तो बैलेंस करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 मैं लिख दूंगी यहाँ पे 5 H2C2, दिस तो 5 4s are कितना हो गया आपके पास, 20 20 + 8, एक सेकेंड ज़्यादा हो गया क्या, 28 यहाँ पे हो गया। अच्छा एक वाटर कम लिखा है क्या मैंने, एक सेकेंड, आई थिंक मैं वाटर कम लिखना भूल गई, यहाँ से ये वाटर लेना भूल गई मैं, ओहो एक सेकेंड, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी जिसमें इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली कर सकते हो। तो गड़बड़ी हो गई, एक तो ये 3H2O है, यहाँ से एक गड़बड़ हो गया हमारे पास, और एक H2O लिखना मैं भूल गई हूँ क्वेश्चन से, यहाँ पे ऑलरेडी एक H2O था ना, एक्स्ट्रा H2O,
ये दो दो चीज़ें एक्स्ट्रा थी। ठीक है, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिए, ये तो सिंपल है, ये सिंपली कैंसिल आउट हो गए। अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था 2 पोटेशियम था, तो यहाँ पे हमने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से MnO को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। नाउ यहाँ पे हमारे पास 3 था, 6 कार्बन, और यहाँ पे भी 6 कार्बन है, तो कोई इशू नहीं है। बट हमको भी ऑक्सीजन को स्टिल बैलेंस करना बाकी है। अब देखो वापस से, 4 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखोगे 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, ये सारा आपके पास हो गया। टोटल कितना हुआ यहाँ पे, 2 + 3 5 + 1 6 + 6 12 + 1 13, यहाँ पे मेरे पास 13 ऑक्सीजन है। कुछ छोड़ा तो नहीं, 6 2 12 होगा ना यहाँ पे, सॉरी, 2 + 3 5 + 1 6, 6 + 12 18 + 1 19, यहाँ पे 19 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 19 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए कुछ गड़बड़ हो रही है। आई थिंक हमें इसको एक्सपेक्टेटर आयन को लेके चलना पड़ेगा शायद। चलो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ थोड़ा सा। MnO होगा, हाँ MnO लिखा तो है बेटा, MnO है ना यहाँ पे, MnO है ना, लिखा तो है MnO है, बट ये एक ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा फाइनल में, वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या तो हम। मैम लेफ्ट साइड से ओरिजिनल इक्वेशन में KMnO4 आएगा और राइट साइड में MnO होगा। हाँ तो ओरिजिनल नहीं, फाइनली हमने इसको बैलेंस किया ना हाफ रिएक्शन से, तो हाफ रिएक्शन से जब हम यहाँ पे KMnO4 लिख रहे थे और यहाँ पे MnO लिख रहे थे, और इस होल इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, बट साथ में K2O भी था ना। अब K2O की वजह से यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया, तो मेरे को यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंगनीज 2 हो गया, तो मुझे मैंगनीज को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, बट स्टिल यहाँ पे एक ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हो गया 12 + 20, और राइट हैंड साइड में हो गया है 19। चलो मैं इसको देखती हूँ जरा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है बीच में। आई सी हियर, बट मैं शॉर्टकट बता देती हूँ उसका, शॉर्टकट कैसे करना है। ठीक है, लॉन्गर मेथड में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट्स इसमें शॉर्टकट देख लो, फिर लॉन्गर मेथड बताऊँ। नाउ शॉर्टकट में सिंपली क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, एक स्टेप में कर सकते हो आप ये रिएक्शन, पूरा ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंगनीज +7 में था, कार्बन +3 में था, यहाँ पे मैंगनीज +2 में था और कार्बन +4 में था, तो +7 से +2 में जा रहा है, तो चेंज कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर पे, 5 का चेंज आ रहा है। ठीक है, ये +3 से +4 में जा रहा है, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, बस चेंज देखना है। यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, 1 का, सिर्फ 1 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 5 का चेंज आ रहा है। वो प्लस में हो नेगेटिव हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, बस चेंज देखना है। अब हमें इन दोनों चेंज को इक्वल करना है ना, तो अब ये जो चेंज आ रहा है +3 से +4,
एक के लिए चेंज आ रहा है, बट मेरे पास कार्बन कितने हैं, टू, तो दो के लिए चेंज कितना हो जाएगा, टोटल चेंज टू, यहाँ पे लिख लो आप एज नंबर ऑफ एटम इज टू, तो एक के लिए चेंज वन है, तो दो कार्बन के लिए चेंज कितना हो जाएगा, टू, यहाँ पे फाइव का चेंज है और यहाँ पे आपके पास टू का चेंज है, टोटल चेंज। तो ये जो भी चेंजेस आए हैं आप उसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में लिख दो, KMnO4 के लिए 5 का चेंज, H2C2O4 के लिए 2 का चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 KMnO4 और इस पे आ जाएगा आपके पास 5 H2C2O4। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? चेंज आइडेंटिफाई करना है, KMnO4 प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है, तो चेंज कितना आया 5 का, H2C2O4 एक के लिए चेंज वन दे रहा है क्योंकि एक कार्बन के लिए चेंज वन हो रहा है, तो दो के लिए चेंज कितना आएगा, टोटल टू, तो जो भी चेंज आया है उसको आपको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। बचा यहाँ पे आपके पास K2O प्लस MnO प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब ये आपके फिक्स हो गए, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको आपको फिक्स रखना है, बाकियों को यहाँ पे बैलेंस करो। मैंगनीज 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, पोटेशियम 2 है ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन यहाँ पे 10 है तो इधर हो जाएगा 10 CO2, ठीक है। अब हाइड्रोजन को वाटर के फॉर्म में बैलेंस करो, तो इधर है आपके पास ऑक्सीजन दिखा तो 2 इधर 1, सो ठीक है ऑक्सीजन बैलेंस करो पहले, 4 2 8 ऑक्सीजन, 5 4 20 ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ टोटल कितना आया, 28 ऑक्सीजन। यहाँ पे आओगे तो आपके पास हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 20 23 प्लस 1 24, तो इस तरफ आपके पास कितने हैं 24, कैलकुलेट सही किया ना मैंने, 1 प्लस 2 3 23 10 2 20 24 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपके पास 28 ऑक्सीजन, यहाँ पे 24 ऑक्सीजन, तो मुझे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाने हैं तो अब वाटर में चेंज करो, यहाँ पे एक वाटर था अब वाटर क्या कर दो यहाँ पे 5, तो अब बैलेंस करके देखो 1 प्लस 2 3 प्लस 20 23 प्लस 5 28 ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पे 28 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, एक ही स्टेप में ये बैलेंस हो गया, आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अंडरस्टूड, क्लियर है सबको? इसका ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ मैं देखती हूँ, कुछ शायद गड़बड़ हो रहा है, लेट मी सी क्या इश्यूज चल रहा है उसमें, बट डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो, दिस इज योर एग्जैक्टली करेक्ट बैलेंसिंग, इसको फिक्स कर दो, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं उनको फिक्स करके बाकियों को बैलेंस करो फिर उसके हिसाब से। चलो आज का क्लास वी विल बी लाइक फिनिशिंग हियर।